इसराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर भारत में भी आरोप प्रत्यारोप जारी है। भारत की राजनीति में भी नेता एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। हाल ही के ताजा बयान में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और सुप्रिया सुले को गाजा में हमास की तरफ से लड़ने के लिए भेजने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा, मुझे लगता है कि शरद पवार हमास के लिए लड़ने के लिए सुप्रिया सुले को गाजा भेजेंगे। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बयान की आलोचना की थी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कहा, मुझे बहुत दुख होता है जब शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता इसराइल पर हुए आतंकवादी हमले पर भारत के रुख पर ऐसे बेतुके बयान देते हैं। आखिर पवार साहब भी तो उस सरकार का हिस्सा रह चुके हैं जिसने बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाए और भारत पर हुए आतंकी हमले के दौरान सो रही थी।